विधान पार्षद सदस्य निवेदिता सिंह ने शनिवार को डीएवी इंटर स्कूल परिसर स्थित मरहिश दयानंद अनाथालय के अनाथ बच्चों के बीच सामग्री का वितरण किया। श्रीमती सिंह ने अपने पुत्र के पुण्यतिथि के मौके पर अनाथालय के बच्चों के बीच सामग्री का वितरण करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की। मौके पर स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार, भाजपा नेता रिंकी वालिया, ओम प्रकाश समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज सेवा ही परमो धर्म के तहत स्वप्निल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज स्वप्निल जो हमारे पुत्र थे, 4 वर्ष आज पूरे हुए, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे आज ये भी नाथ आश्रम में यहाँ आकर अपनी सेवा देना और जो हमारे अनाथ बच्चों हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके बीच कुछ सहयोग अपना देकर और एक जीवन के मार्ग को उनका प्रशस्त हो इसकी शुभकामना देते हुए आज मैं यहाँ आई हूँ। और माँ के लिए एक बच्चा क्या हो, सभी बच्चे बच्चे होते हैं और ये बच्चे भी मैंने देखा जो कि काफ़ी छोटे हैं और आज यहाँ रह रहे हैं और हमारे साथ डीएवी के प्रिंसिपल साहब भी हैं, मैं और इनके यहाँ के व्यवस्थापक मैनेजर साहब सभी लोग हैं। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वर्षों से ये अनाथ आश्रम चल रहा है और जिस किसी के कहने के अनुसार यहाँ बच्चे आते हैं उनके उज्ज्वल भविष्य हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए लोग सदैव तत्पर रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं भी आज यहाँ आई हूँ, मेरे मन को भी बहुत संतुष्टि हो रही है क्योंकि मेरा भी लड़का युवा था, 24 साल का था और आज इन बच्चों के लिए यहाँ पहुँच कर आना मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।